हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और कैसन बानी रहा लोग बताएं जा जरूर। और आज आप लोग तो जानत बाटी कि आज भी धनतेरस छोटी दिवाली है, लेकिन सबके घर में खुशियाँ आला। हमारे घर में आज खुशी के जगह बहुत बड़ा झटका लग गई बा। अब रवा लोग सोचत होगा कि कैसन झटका लगा, अभी तो भाभी कल बहुत खुश रही है। तो जी हाँ, हम बहुत खुश रही, अभी तक भी खुश रही, सुबेरे तक भी खुश रही है। लेकिन अभी जस्ट 1 घंटा पहले इतना खतरनाक झटका लगा ला ना, कि मतलब पैर के नीचे से जमीन ही हिल गई ना। और आज के बाद से हम सोच ले बानी कौनो के मतलब कौनो गरीब के हम हेल्प ना करब। अब एक आगे ये बताइए, बाकी हम कुछ कहा तो मुंह में से निकल जाइए। बाकी जानते हैं हेल्प करने वाली बात नहीं है, किसी भी गरीब को हेल्प करने बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए यार। कोई किसी का मदद करो और कोई यहीं से आप तो उल्टा उसका मतलब निकाल दे तो अच्छा नहीं लगता है ना। कि अभी हमने एक गाना किया कुछ है, कहा होता चाहे कुछ सुना होता, बात अलग है। बात यहाँ पैसे की है, बात यहाँ मेहनत की है। किसी छोटी सिंगर, एक छोटी सिंगर है, उस सिंगर उस लड़की बहुत दिन से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। किसी तरीके से उसका मेरे से बात हुआ। वो उसने मुझे एक गाना दिया कि भाभी जी लो गाना सुनो। मैंने गाना सुना। गाना थोड़ा सा हॉट था, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल पर देखे होंगे कि एक गाना मैंने हॉट सीन किया था भैया जी के साथ में। आप लोग जानते हैं कि जो गाना मैं करती हूँ मेरे चैनल से आता है, कोई हॉट सीन बेड सीन का सिस्टम है नहीं रहता है। ये हॉट सीन बेड सीन का सिस्टम है, मैं अपने गाने से हटा के रखी हूँ। तो अगर कोई अगर सिंगर मुझे गाना देता है हॉट सीन बेड सीन, तो अगर मैं नहीं लेती हूँ तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बहुत बड़ी स्टार हो गई है, घमंडी हो गई है, एटीट्यूड ही हो रही है, अपने आगे किसी को पहचान नहीं है। तो मान लीजिए उस छोटी लड़की का बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी थी, उससे उसने कहा कि भाभी प्लीज मेरा ये वीडियो देख लीजिए, कर लीजिए। मैं बोली कोई बात नहीं, अगर मियाँ बीबी का वीडियो है लाओ कर लेते हैं। और वो तो अपने ऊपर है कि हम उसको कितना हॉट बना सकते हैं या फिर कितना फनी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो उस वीडियो को उसने मुझे दिया था, एक्चुअली वो गाना दी थी मुझे 2 महीने पहले। और वो वीडियो मैंने शूट किया आज से लमसम मान के चलिए 25-26 दिन पहले शूट किया, ठीक है। तो 26 दिन पहले शूट किया, और मेरा जब गाना शूट होता है उसके 2 ही दिन बाद मुझे गाना मिल जाता है। क्योंकि मेरा जो गाना होता है, मेरा जो एडिटर है इतने अच्छे हैं कि मतलब सारा काम छोड़ के मेरा वीडियो एडिट करके दे देते हैं। तो जो गाना हम लोगों ने शूट किया उस गाने में आपको बता देते हैं टाइम कितना लगा, खर्चा कितना लगा और समय कितना लगा, उसमें कितने लोग मेहनत किए। तो आपको हम बता दें कि पहली बात तो पूरी नाइट उसका शूटिंग चला और हम ही 2 लोग बहुत मेहनत किए हम लोग उसके गाने के लिए, लेकिन वो बात नहीं है, चैनल पे चढ़ गया। आज 15-20 दिन 2 वीक अगेंस्ट दिखा रहा है। आप लोग मान के चलिए कि 17-18 दिन हो गया गाना चढ़े। अभी बोल रहे हैं कि ये गाना, गाने का जो मेन जैसे क्या होता है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, जैसे क्या होता है आईडियो जो होता है पहले जिस यूट्यूब पे जो चढ़ा लेता है उसी का होता है, चाहे जो जिसका भी आईडी हो, तो पहले दूसरे को दे दी या पहले दूसरा कोई चढ़ा दिया उनका गाना, क्या किए नहीं हम जानते हैं। अभी हमको वो कंपनी वाला बोल रहा है कि गाना हमारा है, हमने अब पहले चढ़ा चुका, पहले सीधे कह रहा है कि गाना डिलीट करते हो कि स्ट्राइक मारे। एक बात बताइए मुझे, क्या हलवा है हम, कोई बनाए और खा ले? सीधे मेरे हस्बैंड से इस तरह बात किया जा रहा है कि गाना डिलीट करते हो कि स्ट्राइक मारे, 1000 सब्सक्राइबर लेके और मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर पर स्ट्राइक मारने जा रहा है, मारने की बातें कर रहा है। मार सकता है भाई, कंपनी है, मार सकते हैं, कोई बात नहीं, मारिए भैया, कोई बात नहीं। आप गाना आप मेरे आपका सामान से है, गलती मेरा ये है कि मैं उस लड़की से उस गाने का MT नहीं मांगी, ठीक है। आपने बात किया कि आपके पास MT है, तो भैया लोग अगर आप लोग कोई भी नए सिंगर है चाहे कुछ मतलब मेरे जैसे बेवकूफ है, तो जान लीजिए किसी का हेल्प करने से पहले उससे आप MT मांग लिया करिए, ठीक है। यही गलती मेरी थी कि उस लड़की से मैंने MT नहीं मांगा था, प्लस मैंने उसका हेल्प किया, गाना दिया उसको, और उसके गाने पे हम लोगों ने भरपूर मेहनत करके वीडियो शूट किया। हालांकि मेरी तबीयत नहीं सही थी और उस दिन पूरी रात मुझे अभी भी याद है कि बिना खाना खाए हम लोग उस दिन शूट किए थे। कोई खाना बनाने वाला नहीं था क्योंकि उस समय कोई हमारे पास लड़की नहीं रहती थी, हम ही दोनों थे, हमारी बच्चियां थी। और आप लोग को क्या बताएं यार, इतना मेहनत लगे, पैसा भी खर्च किए उस वीडियो में। क्या कोई वीडियो शूट होता है तो पैसा नहीं लगता है, फ्री में आ जाता है पैसा। अब हम पैसा लगाए हैं, वीडियो शूट कराए हैं,
तो आप लोग बताइए, हमको धमकी आ रहा है कि आप वीडियो 1 घंटे के अंदर डिलीट कर, हमने प्राइवेट भी कर दिया देखिए। वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया, प्राइवेट करके रखा है, ठीक है। हमने सोचा कि हम भी अपने कंपनी से बात करेंगे, आप लोग जानते हैं मेरा कंपनी मार्स ऑफिस में है, और मार्स ऑफिस, एक मिनट इसका लाइट कम करना पड़ेगा ना, पूरा लाइट कम करेंगे तब भी नहीं दिखेगा। तो 26 तारीख तक मार्स ऑफिस जो है बंद है। गाना आप लोग देख सकते हैं, यही है, 1 सेकंड, ये गाना है राजा जी गाल जनी काटी, इसके बाद उसके पहले आप लोग देखिए, यही गाना है, आप लोग देख सकते हैं, हमारी मियाँ बीबी दोनों लोग, हम लोगों ने बनाया था, और ये गाना हमने प्राइवेट कर रखा है 1 घंटे पहले, लेकिन बंदा कह रहा नहीं प्राइवेट नहीं चाहिए, डिलीट करो तो डिलीट करो, उससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे हस्बैंड इतना गिड़गिड़ाए हैं, बोल उससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा भैया लोग, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लोग हैं ना कि किसी को कॉपीराइट मारे चाहे स्ट्राइक मारे। नहीं, नहीं, प्राइवेट करने के बाद उसका कोई नुकसान नहीं दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, यूट्यूब फिर भी वो कह रहा है बंदा कि आप वीडियो को डिलीट करो। ठीक है भैया, हम वीडियो को डिलीट कर देंगे, कोई बात नहीं भैया, तुम शेयर हो, तुम शेर हो, तुम शेर बन के रहो, ठीक है, हमको कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ऐसा रहेगा ना, तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से लोग गरीबों का मदद नहीं करते हैं, गरीबों का दुख कोई सहने वाला सुनने वाला नहीं रहता है। तुम्हारे जैसे ही कुछ चंद ऐसे होते हैं कि जो कंपनी का नाम पे कलंक हो, तुम लोग कह रहे हो किससे पूछ के, तुम होते कौन हो, मैं तुम्हारा पोल खोलना स्टार्ट करूंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो लड़की है उस लड़की का नाम है सुगु सरगम, उसको मैं बुला के अपने चैनल के माध्यम से तुम्हारा सारा पोल खोलवा दूंगी, ठीक है। वो बोली थी कि भाभी मेरा 25 गाना जिससे मैं बोलबम का शूट हो रहा था, बोली भाभी मेरा ट्रैक मेरा गाना 25 लेकर चोरी हो गया, और जब मैं कंपनी वाले से गाना मांग रही हूँ तो बोल रहा है कि गाना चोरी हो गया। अरे ऐसे कैसे गाना चोरी हो गया, मैं बोली इंटरव्यू हम लोग डालेंगे, उसका इंटरव्यू हम अपने चैनल से अभी तक नहीं, हम चाह रहे थे कि भैया कि आपका पोल खुले, ठीक है, लेकिन इतना नाम खुलेगा, आप सब कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक एक लोग का पोल खोल कर रख देंगे, कसम से बता रहे हैं, जब हम सटक गए ना तो बहुत बहुत जने को अटका देंगे, ठीक है। और ये पब्लिक है, पब्लिक को आप इतना दिन तक चुर्तिया नहीं बना सकते हो, पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है, पब्लिक भी पढ़ी लिखी है, जो गंवार भी है ना वो भी लोग जानते हैं, और सब मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और जो लड़की है उसको मैं दिवाली के बाद बुला रही हूँ अपने घर, ठीक है, अपने घर बुलाऊंगी, नाम लेके बताएगी, और नाम लेके बताएगी कौन क्या किया है, और एक मिनट कह रहा है कोई लड़की बहुत हरामी है, इतनी है, अभी देखिए मेरा संस्कार मेरे बाप माँ बाप ने ये नहीं दिया, नहीं तो उसका बात मैं रिकॉर्ड करके आप लोग को सुनाती, लेकिन ये सब कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद सुगु सरगम ही बताएगी आप लोगों को कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत हरामी किस्म की लड़की है, फटीचर है, ये वो है, हम लोगों ने धक्के मार के लात मार के उसको स्टूडियो से निकाल दिया। सुना सकते हैं क्या? नहीं अभी करेंगे तो फिर वही बात बोलेगा, फिर वही बात बोलेगा, लेकिन ये वीडियो शायद हम डाल दे तो नहीं बोले, सही बात है, तो लेकिन ये वीडियो डालना जरूरी है। और भैया तुम अगर शेर हो तो ठीक है, शेर बन के रहो, लेकिन एक चीज जान लो, बहुत अच्छे आदमी से पंगा लिया, ये देखो ये रहा ये वीडियो जिसपे मैंने पैसा खर्चा किया है, और इसको मैं प्राइवेट की हूँ, लेकिन भैया आप बाबू बहनी सब लोग देख लीजिए, आप लोग के सामने मैं प्रमाण दे रही हूँ, ये वीडियो जो है, एक मिनट यहाँ से कहाँ से डिलीट होता है, कट करके, ये देखिए ये वीडियो यहाँ से मैं डिलीट कर रही हूँ, देखिए यहाँ से, ये देखिए कटा, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन देता है यहाँ पे डिलीट, ये देखिए रिमूव टू वीडियो यूट्यूब से, ये देखिए ये वीडियो डिलीट करने में मेरा क्या जाएगा जानते हैं क्या जाएगा, मेरा व्यू डायरेक्शन, मेरा इंप्रेशंस, मेरी मेहनत, जो कि मेरा पैसा, और जितना हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग सोचते होंगे, देखिए गया गाना डिलीट कर दिया मैंने, आप लोग के सामने मैंने डिलीट किया, आप लोग न्याय करिए कि क्या ये सही था, मैंने वीडियो डिलीट किया नहीं है, मुझसे जबरदस्ती डिलीट करवाया गया है। और रह गई बात भैया जी, जो भी आप थे कंपनी के नाम पे, कौन सी कंपनी है भैया मुझे बताना जरा, टाटा बिरला है क्या आपकी कंपनी, कौन सी कंपनी है? नहीं है, गाना पहले उसने छोड़ा, उस लड़की को देखिए, उस लड़की को मैं बुलाऊंगी, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी, उस वही लड़की अब आपकी पूरी सच्चाई बताएगी पूरी दुनिया के सामने, और नाम भी बताएगी, मुझे भी पता है, आप गाए भी, हाँ ये भी बताएगी कितना गाना आप चुराए हो, ये भी बताएगी, ठीक है, सब कुछ बताएगी। तो बाबू भैया बहनी लोग देख ला लोग, आज त्योहार के दिन कितना बड़ा उपहार मिलल बा, गरीब के मदद कैले के, ऐसे बड़ा उपहार हमारे इस दुष्ट लड़की की मेहरारू को मिली नहीं सकेला, कसम से कहते हैं, काहे ने कोनो लड़की हमारे समान रोयल थमर करेजा तुरंत पिघल जाला, काहे से जिंदगी भर रोत चली आती, जिंदगी भर कबो सुख के घड़िया तो जियल ही नहीं की, सुख के कबो जिंदगी देखल ही नहीं किया, 17 साल का दिन होगल खाली रोत है, खाली रोत है, रोत है, सिर्फ रो रहे हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि कोई लड़की मेरे पास ना रोए, मेरे जीते जी ना रोए, मेरे मरने के बाद कोई भी रोए,
कुछ भी करे, जाने दीजिए, ठीक है। यही मेरा देखिए कितना अच्छा ये त्योहार का दिन है, जो आप लोग जानते हैं ना, उसके साथ भी धोखा हुआ है। त्योहार के दिन जानते हैं क्या आदमी सोचता है, किसी से झगड़ा ना हो। अमावसा गांव में बड़ बुजुर्ग कहते हैं देखिए कुल अमावसा नहीं जगे, यही अमावसा जग गया मेरे साथ। देखिए जो मेरी रोजी रोटी है उसी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है त्योहार के दिन। हो गया, जाने दीजिए, सॉरी कुछ नहीं, हो गया।